सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुजरिम राज बिहारी वल्दकाल बिहारी को फांसी की सजा सुनाती है। दिनकर भैया, जज साहब बहुत महान बाड़े। इतना बड़ा आदमी बनला के बाद भी अपना गांव में कुल देवता के पूजा खातिर आवत बाड़े। औ देखा आ गए हमनी के गांव के गांधी जी। रउआ लोगन के आज स्नेह सत्कार से आज हमार आखी ना मन भी भराइल बा। रउआ लोग सबसे हाथ जोड़ के आज एगो विनती करता नहीं, आज हमरे घर पे पूजा के अवसर पर एगो छोटा सा भोज रख ले हैं, कृपया आवे के कृपा करें। चलो माता जी के दर्शन कर ले। खून के रिश्ता संगवा अब आपन मरना जीना, इन कर के तन से हरदम मेहनत का बहे पसीना। तू हवा एक हीरा, तू हवा एक नगीना, जब ले बाजा अंगड़ाई ता चमकी खून पसीना। जब ले वादा करक कौशल्या अजय अजय और विजय के सत्य के राह पर चले। अपन जान लुटाइब, संविधान और देश का अपना हरदम मान बढ़ाइब। ओ बाटे भारत से प्रीत, न्याय के गाई गीत, होके सच्चाई का हरदम अपना के दुनिया में जीत। हाँ मेरे मीत, हर जुल्म के हो हमेशा, हर जुल्म के हो। मन
अंत ना करत रहले फिर सोचनी है के चल के जज साहब के आखिर श्रद्धांजलि तो अर्पित कर दी। अच्छा कहला, बड़ा अच्छा कहला। आज हम अपन पति के साक्षी मान के कहतानी, जज साहब के आदर्श और कानून के रास्ते पर चल के तोके और तोरे भाई लोगन के फांसी की सजा जरूर दिलाई। जजाइन, तोरी चैलेंज हमनी के स्वीकार बा, लेकिन एको बात बताई, तोर ई ताजमहल जैसी जवानी खंडहर बन जाए पर ई तोर कसम कब्बो पूरा ना हुई, कबो ना। सैला जी आगे के कहा सोचले बानी? शहर में जाके हम जय विजय के पढ़ाई लिखाई, जज साहब के आदर्श ई लोगन में भरब, इहे हमरे तरफ से जज साहब के सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ना माई काल बिहारी के सर्वनाशी जज साहब के आखिरी श्रद्धांजलि होई। बात पूछी? बोलो बेटा। तू यहाँ आके बेकार में पसीना काहे बहावे लूं? देखा बेटा, मंजिल पावे खातिर पसीना बहावे के पड़ेला। ना भाई, मंजिल पावे खातिर खून बहावे के पड़ी, मंजिल पावे खातिर खून बहावे के पड़ी, खून बहावे के पड़ी, खून बहावे के पड़ी। जाने गुस्सा में कहां भाग के जा रहा था। चल बेटा जल्दी चल, चल रुक जा आगे, आगे रुक जाओ, रुक जा बेटा, रुक जाओ। Thank you.
का नाम हरे तोर? साहेब भगवान तिलकधारी। अरे साले, जब तोर नमावे भणुआ बा तब दोसर कौन गाड़ी दी तोरा के? तोर हिसाब किताब हम थाना में करब। ले जा लोग। लेकिन साहेब जेल जाए से पहले जमानत हो जाए, एकरा के गिरफ्तार करे से का फायदा, पसीना बहुला से का फायदा बा? तिवारी जी, मंजिल पावे खातिर पसीना बहावे के पड़े, पसीना बहावे के पड़े, पसीना बहावे के पड़े। आज तू अपना बहादुरी से तिरंगा के आन बान शान और हमरे जान के भी रक्षा कैले बा। राज्य के मुख्यमंत्री भेला के नाते हम तोहार सजाए कम करवाओ के सिफारिश करें। तोहरा ऐसा जाबाज नौजवान जेल में रहे ये ठीक नहीं लागत। तू जल्दी आजाद हो जाएगा। आजादी इनाम में मिली तो हमरो मंजूर बा, ना तो उधार के जिंदगी जिए के वैसा हूँ हमारा को शौक नहीं है। वक्त भी गुलाम होता है, तकदीर एहतराम करती है, जिनके हौसले बुलंद हों उनको दुनिया सलाम करती है। शहर में अवैध सामान की तस्करी पर राज्य सरकार गहरी चिंता जतौले बाड़ी। कौनो सुराग ना मिले से राज्य सरकार परेशान बा। पुलिस अपराधियों को पकड़े के कोशिश कर रहल बाड़न। नागू हमार बच्चा एने आवा 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 आवा। पुलिस प्रशासन की गैंग अपन डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से संभाल रहल बारा, समझला भैया? बस आपके आशीर्वाद ना। इन तमाम वारदातों के बीच शहर में एगो अजीबोगरीब घटना हो रहल बा। स्कूल कॉलेजेस से नाबालिग बालिग लड़कियन के अपहरण, अब तक सबसे ज्यादा लड़कियन गायब हो चुकल बानी। ए कुंजवा, हम तोहरा काम से खुश नहीं की। अरे हमरा के सैकड़ों में ना लाखों में आंकड़ा चाहिए, लाखों में, समझ ले। कहे कि अब हमारा धंधा दुबई तक फैल चुका बा, बुझले? ठीक बा भैया, ठीक बा। आज के सबसे बड़ खबर, जेल में बम धमाका। बाल बाल बचले मंत्री। हत्या के सजा काट रहल अजय नाम के एगो कैदी बचौलन मंत्री के जान। मंत्री जी ओकरा से खुश होके जेल से रिहा करे के सिफारिश कैलन। गृह राज मंत्री से मुख्यमंत्री बने के हमार सपना एक बार फिर चकनाचूर हो गए। कितना मुश्किल से हम प्लान बनाओ ले रहनी, मगर ये सवरा बाहर तो बाहर भीतर हमार खेल बिगाड़ देलस। अब सरवा बाहर आ रहा बा, तू लोग भी तनी सावधान रहिए जा, काहे कि इस सर्वा से हमार जान और मार दोनों के बहुत नुकसान हो गेल बा। बड़का भैया,
रहुआ घबराई ना, नाग बिहारी ऊ नाग बा जौन विश्वास से ना विश्वासघात से मारेला अवे 30 साल के बाहर। अजय इला जेल में कमले तोहर पसीना के कमाई। जेलर साहब हमार पसीना के कमाई गरीबन में बांट दिया, वैसा ये देश में बहुत गरीब दुखिया लोग बने। यार एक बात समझ में नहीं खे आवत, तोरा जैसा नेक दिल इंसान आखिर ये खून खराबा काहे करेला? जेलर साहब मंजिल के पावे खातिर खून बहावे के पड़े, खून बहावे के पड़े। अच्छा भाई लोग चलो तानी फिर मिलेगी जल्दी है। का हो बोलो बा। तब बीड़ी उड़ी रख ले बड़ा। हाँ बाप भाई बा। जलावे की के दी है ला। छोड़ा एकरा के चालू को किनार रखेला। चला ठीक है बा रख लेता नहीं। हाँ
ससुर चैन से वीडियो नहीं खन पिए। अरे बाप हो बाप, आ माई हो माई। ऐसा हाल तो हर कौन गुंडा कहला सा। अरे गुंडा ना है साहेब, गुंडी या गुंडी। अरे बहुत धुलाई खेले दिया साहेब। हम एगो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमार नाम हजारी लाल हो, लेकिन प्यार से हमरा के लोग भैया हजारी कहला। क्या बताइए साहब, 4 महीना से गाँव में ताड़ी खाना खोल देले भैया। अब गाँव भर के लोग के ताड़ी पिया के साहब बेहोश कैले रहती है। अब हम सामाजिक कार्यकर्ता हुई तो ओकरा के बंद करावे खातिर ओकरा दुकानिए के सामने अनशन पर बैठ गरनी है ये साहब। अचानक ये साहब धावा बोल देलसी, मार लबनी मार लबनी 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 ये साहब मार के धो देले बिया हमरा के। अब का बताइए साहब, पुलिस के नाम लेनी है तो कह दिया। अरे जा जा, पुलिस से तो हमार पुराना टाका पीट बा। चुप, गलत बात रलसी हुआ। ठीक बा तिवारी जी, दाढ़ी निकाली तनी हमू तो देखू कौन गुंडी है। Come on, baby.
करे पुलिस के झूठा धौंस देके एगो सीधा साधा सामाजिक कार्यकर्ता के ते भुलाइल गधा जैसन पीट देलिस। हाँ उतोर नमूना हथियार लवनी कहाँ बा? लवनी यहाँ आवा। साहेब यहाँ लवनी ले जाए गिरफ्तार कर ली। ये तोर हथियार है लवनी? हाँ चल। तिवारी जी। जी सर। हजारी लाल के बयान रहे कि लवनी लवनी मरलसी है। ई लवनिया ना ऊ लवनिया मरले होई। ऊ लवनी ई लवनी ऊ लवनी ई लवनी कौन मारा मरवल चला था हमारा कोई समझ में नहीं क्या हुआ। अरे सुन तीन दिन के मोहलत दे तनी ई धंधा बंद कर आ कौन वैसन काम शुरू कर जो उनकी लड़की जात के शोभा देवे। अब की बार छोड़ दे तनी दोबारा ना छोड़ब। ए लवनिया तनी सोच हम जे झूठो मुठ के कहनी कि पुलिस वालन के साथ हमार पुराना याराना हवे अगर उ सच हो जाओ तो सोचा का होई? सोचा सोची दीदी? हाँ हाँ सोचा लेकिन ढेर घुस के ना काहे की ओकरा पर तोहर दीदिया के दिल आ गईल बा। प्रणाम मंत्री जी। अरे रघुवा प्रणाम। प्रणाम वकील साहब। अरे अगला डेट ले ले बानी दो महीना बाद के। का हो जजाए हम कहले रहने नू तोहार ताजमहल जैसन जवानी केस लड़त लड़त खंडहर बन जाए बन गई। कहाँ फड़फड़ाता हो? ई हमार बेटा। ओ तलाइका के पाल पोस के हमरा से मुकाबला करे खातिर बड़ा कर दे लू। है? पुलिस बना ले लू खाकी पहना के। लेकिन देखा जजाइन खाकी पहरे वाला हाथ बहुत कमजोर होला उठी भी तो अदब के साथ वो भी सैल्यूट खातिर। काल बिहारी हमरा बेटा के हाथ के मजबूर और कमजोर मत समझ आंख डाल के तो देख एक आदर्शवादी माँ ओकरा के कितना मजबूती से रोक के रख ले दिया। अपन खैर चाहता रहते ना ही तो हमार बेटा का हाथ उठ गए ना तो तोड़ करे जा निकाल के हमरे पैर पे रख दे। चल जो गर्भना माई गर्भना आज हमके ई वर्दी पे शरम आवता तो उतार के फेंक दा कुचल दा तू भी अजय के जैसन अपने पिता के आदर्श और संस्कार के छोड़ के चल जो हमरा के लड़ ले हम अपन लड़ाई। अबे हमार बूढ़ी हड्डी में इतना जान बा बेटा कि बिना कोनो सहारा के हम कोर्ट का सीढ़ी चढ़ सके नहीं। अरे काल बिहारी से हमार मकसद सिर्फ बदला लेवे के रहत था तोहरा के पढ़ा लिखा के इंस्पेक्टर ना एगो गुंडा बना दिले रहती गुंडा। विधवा माई के मकसद के समझा बेटा अगर अपने पिता की सच्ची श्रद्धांजलि देवे की चाहत बाड़ा तो कानून के राह पर चल के काल बिहारी का सर्वनाश कैदा ओकरा के बर्बाद कैदा। हाँ बेटा बर्बाद कैदा। नहीं नहीं तो इस जंग में हमरा के अकेले छोड़ के चल जा।
साथी होके 5 मिनट खातिर भुला गए रहले कि हम केकर बेटा हैं। हम तोहरे बताओ रास्ता पर चलब भाई, तोहरे बताओ रास्ता पर चलब। अरे नालायक, अरे कमीना, अरे ससुर तू अपना मातारी के पेट में कैसे रह ले रहे? बोल, और हमार कितना डिमोशन करवाओ बे, बताओ। आईजी से डीआईजी भैली, फिर कमिश्नर से असिस्टेंट कमिश्नर, और आज एसपी। अरे बेशरम, कुछ तो शर्म कर, अब हमारा का सिपाही बना के छोड़ बे, बोल। आई कम इन सर। प्लीज कम विजय, प्लीज कम विजय। ई गुंडा की तस्वीर तनी गौर से देख ल। ई नालायक की वजह से हमार नाव प्रेम प्रकाश पाठक से पीपी पाठक यानी परमानेंट परेशान पाठक पड़ गए बा। तू सब काम धंधा छोड़ के एकरा पे नजर रखा। हाँ, ई अजुए जेल से छूटल बा, और तोहरा के मालूम बा कि बानहल सांड जब छूटेला तू का करेला। अब अगर फिर से ई काल बिहारी के आदमी के मरलस पिटलस ना, तो हमार डिमोशन पक्का। देखा, प्लीज हेल्प मी यार, प्लीज। आप चिंता ना करें सर, हम कोनो ना कोनो धारा लगा के एके जल्दी अंदर करब। वेरी गुड माय बॉय, वेरी गुड। साहेब हम घुसी। विजय, इस साला की आदत इतना खराब बा कि घुसला के बाद पूछेला कि सर घुसी। अरे अब तो घुस आयल बाड़े, बोल का काम बा। कहा घर से बीबी जी के फोन आयल रहे कि अमिताभ बच्चन के फिल्म चंचा के सीडी लेता व। ठीक बा तू जा। अच्छा साहेब। हाँ। अब बतावा कैसे जी हम, बाहरी 1.5 फुटिया गुंडा और घर के भीतर हमार नक चढ़ी बेटी, दोनों हमार जेल मोहल के दिले बाड़न सर। उ आधी दाढ़ी वाला लंबा बुढ़ा न जाने कौन जादू कह दिले बा हमारी बेटी पर, कि जब देखा तब अमिताभ बच्चन। तेरे से तो क्या तेरे बाप से भी मान लेगा। मैं पूछता हूँ ये चिट्ठी तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हारा बीवी अपन को याद नहीं? आज से 22 साल पहले हम चर्च के बाहर फादर को मिला था, और वो बोला था कि वो टाइम पे ये चिट्ठी हमारे हाथ में होता। इसका मतलब तुम अपन का मेरे बच्चे, आज मैं कितना खुशकिस्मत हूं, मेरे तीनों बेटे मुझे मिल गए। तीनों? हाँ, अमर, अकबर। अमर अकबर? हाँ। तुम फौरन शादी कर लो। तुम और कुछ भी करने को बोलेगा करेगा, लेकिन शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तेरे उल्टे सीधे धंधे बंद हो जाएंगे इसलिए। पर नानू फादर, हमरा जिसन क्यों मिला ली ना, यही से मिलने को मानता ना। I mean फादर, जिसे देखकर मन का वायलिन ऑटोमेटिक बजने को चालू हो जाए, दिमाग का घंटी बजने लगे टिंग टोंग टिंग टोंग, ऐसा लगना मतलब फादर जैसे जन्नत का परी प्लेन में उड़कर मेरे दिल के एयरपोर्ट में लैंड कर रही हो। उहे तो अमित जी, I love you ना, but this is not fair। हमरा जवान भैला से पहले तू बुढ़ा हो गईला, ये ठीक ना भाई? हाय साला। हाय छोरी, बुढ़ा होगा तेरा बाप, बुढ़ा होगा तेरा बाप, बुढ़ा होगा तेरा बाप। ए बस्ती वालन, कान खोल के सुन ले, ये तू लोगन के अभी बस्ती में रहे के कौनो हक नहीं थे। वो कहा है भैया कि पूरी बस्ती के जमीन अब बिक चुकल बा, तो आप 10 मिनट में ये अपन अपन खैरियत चाहेला वही बस्ती में से सामान सहित बाहर निकल जाए। नहीं तो कहा है कि 11वें मिनट में ये बुलडोजर पूरी बस्ती के पिसान बना दे। हाँ?
अरे लवनी, ई अंगूरी कहाँ गया रे? आज ओकर यहाँ जरूरत तो गायब हो गई बिया। अरे वही द्वार गई बिया योगा गुरु से ट्रेनिंग लेवे खातिर। रवा बानी नू समाज प्राणी बढ़ी आगे और दी जवाब। ई जमीन सरकारी हो, आई घर हमनी के हो, तोरा के क्या लिख ले पा सत्याग्रह हो मंचन पर बैठ इन कलाम जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जाके बुलडोजर के आगे सूच जावे। ए कावलन के कार्टून अपने साथ ही बारात के मत मुआओ। देख हम ज्यादा पढ़ल लिखल नहीं की, हमरा के सिर्फ 3 तक गिनती आवेला, ओकरा बाद बुलडोजर चल जाई। आ गई तो गंवार बा। एक you
बात है। ई तो जवानी के अमिताभ बच्चन के दर्शन हो गए हो। का त्रिशूल, का दीवार, का शहंशाह। अरे सब फिल्मी तो है नहीं है चलता। एक एक पंच अजूबा है अजूबा। अतना किचकिचा के कटलू हम मजा तो आइए गई लोई। पहले ये बताओ अतना कटही तू बाड़ू के। हम एसपी पीवी पाठक के एकलौती बेटी सलोनी और अमिताभ बच्चन जी के दीवानी। लेकिन आसे आसे हम तहार दीवानी हो गए बनी। तो चला मिला वहाँ। सोचा मत अजू भैया, मिला ला हाथ। वैसे भी तोरा काम धंधा के हिसाब से बड़े काम की चीज बनी। हाँ हाँ मिलावा मिलावा। अब एक बात और सुनी मैडम जी। हमार अजू भैया खाली अमिताभ बच्चन के जैसन फाइटो ना करेलन, नचबो गईबो करेलन, एकदम उन्हीं के जैसन। देखी के होई तो कल होली हो, आ जाई बस्ती में। अच्छा अरे हमार अजू भैया बस्ती के हीरो हो वे, हीरो। तब तो हम जरूर आए। चोली खेली तोहरा साथे होली, तोहरा चिकन
चिकन काल पे रगड़े चमके रंग गुलाल निरहुआ निरहुआ गंगा किनारे वाला निरहुआ गंगा किनारे वाला निरहुआ अरे गंगा किनारे वाला रे चाहे चुनरी भीगे या चोली अरे हाँ चाहे चुनरी भीगे या चोली खेला हमरा किनारे वाला निरहुआ रे गंगा किनारे वाला होली में चोली रंगा ले पता रखी होली में चोली रंगा ले होली में चोली तो रंगदा सुवर को होली में चोली तो रंगदा होली में चोली रंगा ले पता रखी होली में चोली रंगा ले हम बेर बेर ना एक बेर कहता नहीं के काल बिहारी सब पे भारी हम राहुल पास आयल बानी एकर मतलब ही ना कि हमार कमजोरी बा देखी बस्ती तो हम फुकवा सके नहीं खाली खादी के लाज रखता नहीं बुझनी बोली का बोलता नहीं रउआ के डिमोशन चाहिए के प्रमोशन मंत्री जी ना हमारा के डिमोशन चाहिए ना प्रमोशन बस रउआ हमारा कह जाए ऐसे ही बैठे ले रही उजवन अजय नाम के गुंडा बा ना ओकरा के गिरफ्तार करे खातिर हम अपने डिपार्टमेंट के सबसे बहादुर ऑफिसर के भेजत आनी एक बार वो गिरफ्तार हो गए ना तो समझ ले आधी बस्ती अपने आप खाली हाँ अरे चल पत्ता पे कहो आइला ई रहल हमार बादशाह अरे आवा आवा भैया काल बा चल आओ बेटा बहुत बढ़िया बा भैया रंग छोड़ा ले लो हां छूट गेल हां मजा आइल लगा मजा आइल भैया बड़ी मजा सही भाई चल गाड़ी में बैठ थाना चल परसों के लफड़ा के बारे में तोरा से कुछ पूछताछ करे के बा लफड़ा के शुरुआत काल बिहारी के आदमी लोग के लिए रह सा और रह गई बस्ती खाली करावे के बाद तो कर स्टे ऑर्डर मिल चुकल बा कहां बा स्टे ऑर्डर देखा हजारी भैया लेके आवत रहे पुलिस के चकमा देता रे हां पुलिस के बोलना धक्का मत दे ना तो का करबे का करबे तोरा जैसन गुंडन के लतियावे में हमरा बड़ा मजा आवेला का बुझले कहने अनु के धक्का मत दे ना तो कहीं हमार हाथ उठ गए तो तोहर कुल मजा सजा में बदल जाए अच्छा
साहेब ई रहले स्टेयर देख ली सुन थाना तो हम तो के लेके ही चला अब कोना जुर्म ले जीबा पुलिस वाले के साथ ऑन ड्यूटी मारा मारी चलो अरे यालो मार जाके आओ अच्छा पहले चल अच्छा भाई आज वो सर्वा गिरफ्तार हो गई और आज हमारा डिमोशन होके से भी बच गई ला बेटी बेटी सब कहाँ हो का जानल चाहता नहीं पापा अरे ई सब कहाँ हो रिश्ते में तो आप हमारे बाप लगते हैं हाय अब ऐ नाते छुपावे के तो कोनो मतलब ही नहीं थे हाय ई अमिताभ बच्चन के भूत अब ये तो बेटी ई का हमार सपना के हीरो बाड़न यंग एज का अमिताभ बच्चन अरे बेटी अमिताभ बच्चन ना है ई अमरीश पुरी के बाप है प्रेम चोपड़ा का दादा है एक नंबर का गुंडा है दो नंबर का बदमाश है और तीन नंबर का लोफर है एक एसपी के घर में एको गुंडा के फोटो बेटी ई ना हो सकत अरे लोग देखी तो का कही है और अब यही ससुरा के हवालात में डलवाई का बतानी पहले निकलवा के आई ना हो सकेला अच्छा तई ना हो सकेला हाँ बेटी ना हो सकेला तो ठीक बा सलोनी सलोनी देखा दूसर कुछ गड़बड़ मत करी बेटा नहीं बिटिया नहीं ई घड़ी मत तोड़ ई घड़ी हमारी शादी के सालगिरह पे तो हर मम्मी देले रहली अरे अरे बेटी ई डीवीडी के मत तोड़ा एकरा में तू तो अपने अमिताभ बच्चन के पिक्चर देखेलू नहीं थे देखे क्या पिक्चर हां अरे ई का नहीं बेटी नहीं सलोनी अरे बेटी टीवी का मत तोड़िया ये हम घूस के पैसा से ना खरीद ले हैं हमरा के दिवाली में बोनस मिलल रहा दिवाली के बोनस अरे बाप रे बाप अगर जबरदस्ती आदेश के पालन करे के कहब तो हम अपन इस्तीफा दे दे तू बोल चुकला ना बोल चुकला ना अब हमहू कुछ कहीं का कह हमार बेटी सलोनी अब का बताएं बस सर बस हम सब समझ गए नहीं हाँ बड़ा इमोशनल अत्याचार भइल बार हुआ ऊपर ना हाँ। तिवारी जी जी साहब खोल दे ताला ठीक बा देख ली सर
अपमान के घूंट पी के तो हमें करा के छोड़ दिया नहीं। लेकिन एक बात बताई रहुआ, बेटी के ऊपर अमिताभ बच्चन के असर कब से बा? अरे वो पेट में रहल तभी से बा। सर हमरा ये मामला कोई समझ में नहीं आवत। अरे अब का बताएं विजय, का बताएं, ये मामला अभिमन्यु वाला बा। वहर चक्रव्यूह के रचना भइल और यहर फिल्म के संरचना हो गइल। कितना बार कहली हम अपना पत्नी से कि एगो देवानंद के पिक्चर देख ले, एगो दिलीप कुमार के पिक्चर देख ले, लेकिन ना सुनली तो ना सुनली, जौने के नतीजा हम भुगत रहल बानी। हाँ कंट्रोल सर, कंट्रोल करिए अपने आप की, नहीं तो बीपी बढ़ जाए। आराम से सांस ले, आराम से सांस ले। भेल 12 बज गेल बा। 12? हाँ। साध्वी जी प्रणाम। खुश रह, खुश रह। हाँ अब बस सांस पर ध्यान दीजिए, आने दो जाने दो, जाने दो आने दो, जाने दो आने दो। अरे भाई अभी विषैली गैस कौन छोड़ रहा है? ये हजारी भैया ना मुरई खाके उपद्रव कैले बाड़न। अब सेना नमक के साथे मुरई खैले रहूंगी। देखो कल से मुरई वाले एक तरफ और लहसुन वाले एक तरफ बैठ के योगा करो, नहीं तो मिश्रण से पंडाल में हैजा फैल जाएगा। अरनान साहेब कहे इतना भीड़ लगल बा हो? क्या ड्रामा चला था साहेब? तो शिविर में कौन योगिनी आयल बाड़ी। अच्छा। आमा हूँ रोज एक घंटा योगासन करतनी, पेटवा एकदम साफ हो गई, लेकिन हथवे सीधा ना भइल। ओ कबो ना करी, तनी देखी के आयल बा कौन योगिनी आई। आने दो जाने दो, 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 आने दो जाने दो। ये कौन है अनाटा घरे? ए आंख ना खोला, तू लोग सब आंख बंद करके सांस पर ध्यान दो। ए साहेब ये कौन ढोंग ना हो? योग हा रवा ही कहले रहनी नू कि कौनो ऐसा धंधा करा जे औरत जात के शोभा दे। अब एमे कौन बुराई है साहेब? मान गे नहीं तो रखे, ये दुनिया सुधर जे बाकी ते ना सुधर बे दुष्ट कहीं के। अरे ए साहेब सुधरे के तो कोशिश कर दानी। ए साहेब तनी सुनी तो, तनी हमरा संगे अलोम विलोम कह के तो देखी। चले चले जल्दी चला चला। भैया में हम के धराए राजा, भैया के टाइट कराए रोजा। भैया में हम के धराए राजा, भैया के टाइट कर।
माई जय जय हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः बुझिले गोदी तोहर चरितर लैकी नहीं लागिल चीतर झूठे फेंका दारू जाली हर गाली नहीं दाल के हो तो शराब के चाय के सुखी कर कुछ ना हो तंतमाय दूरे हटन तमाय नहीं सटन तमाय जय जय हो सर्वे भवन्तु सुखी रह सर्वे भवन्तु सुखी रह सर्वे भवन्तु सुखी रह तारीख ना 24 घंटा में राउर काम हो जाए। नवा निश्चिंत हो जाए। अरे अजय आवा 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 काल बिहारी के कोठी में तुहार स्वागत बा। बैठा बेटा। हम यहाँ बैठे नहीं किए आए काम के बात कर कट टू कट वो खड़े खड़ा कमरा बात नहीं खड़े खड़े करता नहीं। दरअसल हम तोहर ताकत और हिम्मत खरीदल चाहता नहीं। बस तू कीमत बोला। हिम्मत और ताकत माई के दूध से मिलेला, बाजार में खरीदला से ना। अजय तू अपन औकात भूलता रे। जे काल बिहारी के सामने ना झुकेला वो टूट जाला, चाहे वो चट्टान ही काहे ना होके। अजय यादव चट्टान ना, चट्टान के तोड़े वाला हथौड़ा के नाम। काल बिहारी अभी तो हम खाली छोट मोट भूकंप लेके आए, असली प्रलय लियावल तभी बाकी। वो बस्ती के चला के राख कर दे। हाँ
बस्ती के तरफ आंख मत उठाइए, न तो आंख निकाल ले। याद रखिए। हमरा ऊपर छुरछुरी ताने से पहले कुर्सी के नीचे बम देख ला सन। बम कहाँ है बम? बम। और अब तनी एक नजर यो देख ला सन, वो बम के रिमोट दबंगई करे खातिर खाली ताकत ना, दिमाग की भी जरूरत पड़ेगा। डायलॉग के साथ में नहले पे दहला मार के आयल बाड़ा यार, लेकिन तहारू दबंगई वाला डायलॉग ठीक ना रहल। तहकी तो अमिताभ बच्चन जी के सहन साहब फिल्म के डायलॉग मारे के चाहत रहे। जाना तेरा कवन वाला। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, और नाम है सहन साहब। हाँ। हर समय मजाक ठीक ना लगेला। अच्छा तब एगो सीरियस बात सुनो, हम तो से शादी कर चाहता नहीं। हाँ, और हम तो एकदम से सोच ले बानी कि सुहाग रात के दिन तू अमिताभ बच्चन जी के आखिरी रास्ता के स्टाइल में आके हमार घूंघट उठाइबा। तो के मजाक के अलावा और कुछ ना सुझेला? अरे मजाक ना, सच कहता नहीं यार। देखा, लाल चूड़ा ना सही, लेकिन लाल कपड़ा तो पहले बानी ना। अगर तू तैयार होखा तो अब वही ये ब्याह कर लिया जा। का भाई? अरे यार, हम कहें कि इतना सांड काहे घोरिया बता रहे सब। इस सब तुहरा लाल कपड़ा के कमाल है, लेकिन सुना, सावन के महीना में ऐसे लाल कपड़ा पहन के मत घूमल कर ना, तो हमसे पहले सांड गुल भी आ करे के फेर हम पर जी। ए देना। देख के चला डगरिया, देख लाल कपड़ा तो कर दे लफड़ा, देहिया में दी सिंघिया घुसार, भागा भागाए गोरे भागा भागाए गोरे की साड़ी छुटल बा, भागा भागाए गोरे की साड़ी छुटल बा, भागा भागाए। अरे गोरे चला चला बहुत साड़ देख ले वानी। केहू ना रोकल ए भोजपुरिया साड़ी के, केतनन के आई रख दे लस मार के, के हूँ न रोकल ए भोजपुरिया साढ़ के, चतनन के दही आई रख दे लस मार के, मार दे धक्का सा छूट जाई छक्का, चढ़ जाई चढ़ वाला को पे बोखार, भागा भागाए। अरे गोरे साढ़ छुटल बा, भागा भागाए गोरे साढ़ छुटल बा, भागा भागाए। अरे गोरे मार मुकाबला हाथी गोरा ना कर सकल तो इस साढ़ का बिगाड़ी हो। चलल
रहल घरवा से लैका बचावे तोहरा से साढ़ लगल नैना लड़ावे चलल रहल घरवा से लैका बचावे तोहरा से साढ़ लगल नैना लड़ावे लगे मत आवा तू इज्जत बचावा और कहीं जाके दुख हो जा भतार भागा भागा गोरी भागाए गोरे की सारे छुटल बा भागा भागाए गोरे चुप रहो तोरा से बड़ कौनो सार नहीं के चलो हट रखा दिमाग खराब के इलाके कोनो जरूरत नहीं के एक गाड़ी पकड़ेला से हमार कुछ ना बिगड़ी और 10 गाड़ी के ऑर्डर भइल बा 10 गाड़ी के सुना छमिया के व्यवस्था कइल बा चला चल के मजा कइल जाओ चला अरे चला नागू आजा से 35 को लेके उठाओ अब मुजफ्फरपुर वाला कोठा पर पहुंचा दे ठीक है भैया जा ए चौधरी सुना जी भैया सब बम बंदूक आज रात पार्सल करे के बाहर रेडी करा जा ठीक है भैया ए तू इधर उधर जरा ध्यान देता जी मालिक ए जोर से दबा रे जल्दी गाड़ी निकाल आज ही रात ही सारा माल गंगा किनारे पहुंच जाए के चाहिए आग बिहारी भैया घटवे में मिले जी भैया
बिहारी भैया, कुंती बिहारी भैया, कुंती बिहारी भैया, इंस्पेक्टर विजयवा आइल बा, जल्दी कोनो उपाय लगाओ ना तो समझा कि वो हमने के ना छोड़। अक साला, ऐसन कतना दरोगा आइल कतना गई। अरे बचवा, निकाल छोकरियन के, ओकरा आँखी के सोझा लेके जाई, चल जो निकाल। हफ्ता चाहिए कि मजा भड़ुआ साले, हम तोरा के ले आयल बानी। हम कहता नहीं छोड़, ना छोड़ वहां से बेकरा के तब्बे मनाए जब उन दोनों के फोटो पर हार चढ़ी। शुरुआत उ गुंडा से कराब। ए वक्त उ गुंडा के एगो खास खबर मिलल बा। ए घड़ी एसपी साहेब के बेटी से ओकर गहरा रोमांस चल रहा था। 24 घंटा ओकरा पर नजर रखा। 24 घंटा। ए सुना, अब जल्दी से अपन दुल्हन बना के घर ले चलो। अच्छा, इमरजेंसी बा का? ताव लागल बा। जा
पब्लिक प्लेस में ये सब का हो रहल बा? चला निकाला 500 ना तो। अच्छा अंगूरी तू अब नया बिजनेस तू कब से चालू कर दे? अब का बताई, पुलिस वाला के प्यार के चक्कर में हम नकली पुलिस वाली बन गई नी। खैर हमार छोड़ा, ये बतावा तुहार प्यार के मेल कैसन चल रहल बा? अब का बताई ये अंगूरी, हमारो धक्के प्लेट चलाता हो। देखी मेम साहब, इनका पर तो नजर हमरो रहल, लेकिन रउआ बाजी मार लेनी, अब देर ना करी। हाँ अच्छा चलो तानी, ऐश करी। देखलू कताना लोग लाइन में रहे हैं, आएगो उतार बुढ़ा बाप बा, ओकरा समझे में नहीं खियावत। हमके तो साफ लागता कि बुढ़वा जोले मरी ना, हमनी के मेल संभव नहीं है। ए अजय ढेर ना, हमरे बाबूजी के बारे में ऐसे बोलबो ना तो मार देब कह देता नहीं। देखो वह तो हमरा के कहलन हो तोहरा के खाना पर बुलावे के। ओ सहूर से आई हो, इ मवाली लेखा मत आई हो। चिंता मत कर डार्लिंग, हम तोरा से मिले ऐसन कपड़ा पहिर के आई जैसन सिलसिला फिल्म में आई अमिताभ बच्चन। संजीव कुमार के ना रहला पर रेखा से मिले जात रहे। से हमार कुटिया धन्य हो गई। बैठी ना बैठी। उ दिन राव योगा शिविर में हम हो गईल रनी, कोर्ट में तारीख रहे, यही से बीच में उठ के आवे के पड़ल। राउर का सेवा कर सके नहीं? साधवी जी प्रणाम। का सोचे लगनी? माँ जी हम सेवा करावे ना आयल बानी, हम तो सेवा करे आइल बानी। साध्वी जी हमरा और मतलब ना समझनी। हम समझा देता नहीं। हाँ माँ जी रो हमके साध्वी जी ना बहू कहे, होखे वाली बहू। बहू बस माँ जी, दुनिया खातिर ई साध्वी राउर बेटा की दासी बनके ई घर के एगो कोना में अपन सारा जीवन व्यतीत कर जाता नहीं। इतना बड़ी खुशी की बात है, हमारे बेटा को तो भागे खुल गए। हाँ। माई हम बाहर जाता नहीं, हो सकेला कि रात के करे झूठी चोरनी, ते हमारे घर में कैसे घुस गए रे? विजय ये का बकवास कर बाड़ा, ये कोनो ओढ़नी चोरनी ना योग नहीं हवी, हमरा के सब मालूम बा। इनका के हम तोरा खातिर पसंद करले बानी। अरे माई तोरा एकरा बारे में पता नहीं खे, ये बड़की फेकमबाज लेके हिया। ए ना मां जी, अरे चल निकल निकल हमारा घर से। भाग विजय, माफी मांगा साथ विजय से, मांगा माफी। बहू कही? हां हां बहू से ही चलता ना। ना बेटा ऐसे ना जाइबू, बेटा जाके गाड़ी से छोड़ के आओ आश्रम तक, चला जा। अच्छा माई जी क्षमा करें, आशीर्वाद दी मुझे। चलिए अपने के अच्छा से छोड़ा तनी। हाँ बेटा ठीक से छोड़ के आवा। कितना संस्कारी बहू दिया। देवी जी तुहार आश्रम आ गई, उतरा। यहाँ कहाँ आश्रम देखा था हमार? आश्रम रही तब ना दिखाई दी, ये जंगल है, और जंगल में इंसान ना शेर चीता हाथी भालू रहला।
अब जा जानवर लोग के योगा सिखावा। हाँ? इंसान के बहुत सिखा चुके लो। चलो उतरा उतरबू। हम ना उतरब। ना उतरबू तो जबरदस्ती उतार। हाँ? अरे चोरनी चाबी दे हमार। मरत बारा तो ले ला। हम तो सटे और पटे दोनों खाते तैयार बानी। दुष्ट के साथ ही बेशरम बन ही के पड़े। चिंता है नहीं खे चढ़ली जवानिया में घूमा तारू हो तू तो मरद से भीड़े खातिर पागल भइल बाड़ू हो तू तो मरद से भीड़े खातिर पागल भइल बाड़ू हो पवन सिंह से मिला बूता कई दी ही ठंडा इने उने घुमा मत मिला जाके हो से हुए मारत फाड़ू हो इने उने घुमा मत मिला जाके हो से हुए मारत फाड़ू हो तू तो मरद से भीड़े खातिर पागल भइल बाड़ू कि तू तो मरद नहीं खाला गाता कि मऊ बड़ हो तू तो मरद से भीड़े खातिर पागल अरे भइल बाड़ू हो कहाँ जाता रहो केकरा से मिले के बा ठीक से पहचान ला एसपी साहब का होखे वाला दमाद है सलाम साहब जाएं एसपी साहब जौन भी हमसे भूल चूक भइल बा ओकरा खातिर हमके माफ कर दी और हमने के सुखी जीवन के आशीर्वाद। अरे एसपी साहब एसपी साहब रामू सामान लेके जल्दी आओ। सलोनी अरे क्या हुआ सलोनी देखा सलोनी क्यों एसपी साहब के चाकू मारते हैं सलोनी
गंगा जी, एसपी साहब के घर से रामू बोला था नहीं, एसपी साहब के खून हो गई। तू हमारे बाबूजी के मार देला मरी ना हमनी के मेल संभव नहीं। हमरा बात भरोसा कर, तोरा बाबूजी के लेके मरले सलोनी। हमरे बाबूजी के मार देला तू बाबूजी। हम ये सब कैसे कर सके ला सलोनी? दूर आ जाओ, दूर आ जाओ हमरे नजर से। तू हमरे बाबूजी के मार देला तू, बाबूजी के मार देला बाबूजी। सलोनी हमरा बात के भरोसा करा, हम तोरा बाबूजी के ना मर लिया सलोनी। अरे माई ठीक बाड़े ना रे? हाँ बेटा, हम ठीक बानी। तेरा सा खरोच आ गई ला, ठीक हो जाए। बेटा, वो लड़का के रहे? पता नहीं का है बेटा, वो जब हमरा के माई कहले, तो हम क्या अपन अजय याद आ गए। अरे माई, कहाँ हमारा अजय भैया? और कहाँ ये खूनी साला? पागल जैसे बात मत कर, चल पहले हॉस्पिटल जा, तो इलाज कराए। आओ मैं। कहे तोड़ देला, कहे तो
क्या बात बा इंस्पेक्टर साहब? अज्जू कहाँ बा? ओकरा के गिरफ्तार करे के बा। इंस्पेक्टर साहब, अज्जू के हथकड़ी लगावे से पहले रोगा के हमनी के लाश से गुजरे के वो एक खूनी है और तू लोग एक खूनी के बचाव करता रहलो। वो हमनी के बस्ती के देवता हवन, आपन बस्ती के देवता के अपमान भइल त आज अंगड़ी भी चुप ना बैठी। तू लोग लाठी चार्ज करे खाती हमारा के मजबूर मत करल, कहे कि हम भी थाना से अपना माई के कसम खा के निकलल बानी। लौटब तो खूनी के गिरफ्तार करके ही लौटब। तक करी लाठी चार्ज, आज हमनी के भी पीछे ना हटब जा। आज फिर जालिया वाला बाग हुई। रुका लो, इंस्पेक्टर साहब आई हमरा के गिरफ्तार करके अपना माई के खाइल कसम के पूरा करे। शांत रह लो, फिकर मत कर। थाना कोर्ट कचहरी तब हमरा खातिर अपन गांव जैसन लगे, और पुलिस दरोगा लोग हमरा भाई जैसन। आई इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार करी। यही से कही ला, मंजिल पावे खातिर पसीना बहावे के पड़ेगा ना भाई। मंजिल के पावे खातिर खून बहावे के पड़ेगा, खून बहावे के पड़ेगा, खून बहावे। मंजिल पावे खातिर खून बहावे। एक दिन जग में बनल पहचान बा, मान के ही रीत भइल अच्छा प्रतीत। होखे सच्चाई का हरदम अपना ये दुनिया में जी, मेरे हर जुल्म के हो हमेशा, हर जुल्म के हो, हर जुल्म के हो हमेशा। मंजिल पावे खातिर खून बहावे के पड़े। केशव, मैं किसके साथ युद्ध करूं? यहां तो सब अपने हैं। कहकर अर्जुन ने जब अपना धनुष नीचे रख दिया तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम अपना धनुष उठाओ। इस कुरुक्षेत्र में जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वह न तुम्हारे मित्र हैं, न भाई हैं, न गुरु हैं। इसीलिए धनुष उठाओ और युद्ध करो। ए माई, उलोक तो भगवान रहन,
अगर एगो इंसान के सामने ओसने दुविधा आ जाए तो के कहा करे के चाहिए? बेटा, इंसान के उहे करे के चाहिए जौन गीता में भगवान कृष्ण कहले हुए हैं। यानी कि हम सही कहले बनी माई का? बेटा का मतलब? हम अपने अजय भैया के गिरफ्तार करके उनका के जेल में बंद करवा के आए। अजय मुजरिम? हाँ माई, एसपी साहब के खून के इल्जाम लागल भवन का ऊपर। अतो के वो दिन याद बा, कानून से जान बजा के भाग रहा जौन गुंडा तो से टकराइल रहा, वो और के हुना अजय भैया रहन भाई। अजय भैया रहा, तुहर आंख तो जरूर धोखा दे देलस, लेकिन मन ना, मन तो तुके अजय भैया के याद दिया ये देलस। मत रोवा बेटा, मत रोवा, तू अपन फर्ज निभावा। ये जिंदगी भी एक कुरुक्षेत्र हो, तू अपन धर्म युद्ध करा, धर्म युद्ध करा बेटा। भाई, बंधु, रिश्ते, नाते, फर्ज से बड़ा कुछ हो ना होला बेटा, कुछ हो ना होला। माई, ये अजय बा वही जजाइन का बेटा है? हाँ मंत्री जी, ये सब बतिया हम ई कनवा से सुन के आ रहल बानी। बाप रे बाप, जवन पहली बुझे खातिर हम अपन खोपड़िया में रोज पंचायत बैठावत रहनी के गुंडा और एक पुलिस वाला दोनों मिलके हमार बर्बादी काहे चाहता? ओ अब बुझाइल, अब ये लुक्का छिप्पी के खेल बहुत खेललू जजाइन हमरे साथे। तोर खेल खत्म जजाइन, अब हम खेला खेल अब तोरे साथ। बस सुबह हो के दा सुबह। दत्त साहब, ये कौशल्या देवी करीब पिछले 20 साल से ही केस लड़ रहल बाड़ी। आई 20 साल में न जाने कितना बार तारीख दिहल गईल, कितना बार बहस भईल, कितना गवाह बुलावल गईल और कितना सबूत पेश करल गईल, लेकिन आज तक एक भी सबूत, एक भी गवाह इस साबित ना कर सकल कि जज सुदर्शन यादव के हत्याकांड में हमार मुवक्किल काल बिहारी के हाथ है। अब तक की सारी दलीलें और सबूतों पर बड़ी बारीकी से गौर करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि काल बिहारी और उसके भाई निर्दोष है। लिहाजा ये अदालत इस मर्डर केस से इन्हें बाइज्जत बरी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न। का हो जजाइन, कैसन लागल अदालत के ई फैसला? का भैल तोहार उखाइल कसम के, तोहार सपना हमनी के फांसी चढ़ावे के चूर चूर हो गेल बा ना? जजाइन, हम फेरो कहतानी, तू कुछ ना उखाड़ पाइबू ई कानून के सहारे, कुछ ना। और आज हम ताल ठोक के कहता नहीं कि खाली हम तोरे पति के ना मारनी, ओकरे साथे साथ तोर निर्दोष बेटा के भी
एसपी के मर्डर केस में हम ही फंसोले बाए। एक बात और जजाए, हम तोहरा के चैलेंज करता नहीं कि जे तू हमनी के कातिल साबित कर दा तो हम अपन निशान मूछ के छिलवा दे। प्रणाम जाता। कौशल्या देवी की लड़ाई अब खत्म ना भई ला। अपना बड़ भाई के पैर छुए के चाहे वही हाथ से हम अपना भाई के हाथ खड़ी लगौनी। हमके सब पता लग गई बा। भैया तो निर्दोष बाड़ा हो, काल बिहारी के खैर नीखे कहे कि अब हमरा पसीना के उछाल खून में उबाल लिया दिले बा। और अब काल बिहारी के सर्वनाश ही हमार मंजिल बा, मंजिल बा। भैया विजय रुक जा। विजय बाबूजी के आदर्श के मत छोड़ा। विजय माई के संस्कार के मत भूल। माई की तोहार जरूरत बा भाई, तू माई के पास रहा, हमार बात मानिया मत जा भाई। तू रुक जा, रुक जा विजय। दोनों अजैया के होके वाली फांसी के नाम लड़ावा जाम बिरजू। चढ़ल जवानी में सैया के साथ रहब का मजा करा, तू हमरा पर प्यार लुटई है, हम हूं उन पे जिया मरा। हर
बचपन में अपन छोट छोट पैर से माई के छोड़ के ऐसे भगला कि पकड़े में 20 साल लग गई बेटा, 20 साल लग गई। का बेटा इतना साल में का ई विधवा माई का कबो याद ना आइल बेटा, कबो याद ना आइल। ऐसे मत कह माई, तोरा अचरा के चाव से दूर गई लगे बा, जिंदगी के धूप में कबो चैन से सूतल नहीं के माई। जानतर मैं जब हमके हिचकी आवेले तो हमके लागे ला के हमार माई हमके याद करती है। हाँ बेटा, हमाऊ के जब हिचकी आवेला तो हमरो मन बहुत घबराए लागे ला, ऐसे लागे ला पता नहीं का संकट हमार अजय पे आ गए ला। माई संकट में था तू हमेशा साथ रहेल माई, बेटा और आज भी संकट में ही आयल बाड़ू, बीजे आयल रहे हमसे मिले खाते, वो यहां से बहुत कुछ सामने गेल बा माई, ओकरा के रोक ला माई। बहुत खुशी मनाओ ले, अब माता मनावे खाती तैयार हो जो, कहे कि आज हम ना अपना वर्दी में बानी ना ड्यूटी पर, और ना ही हमके रोके वाली हमार माई यहां बिया, तो साथे साथे आज यहां इतना लाश गिरी कि लाश जरावे खातिर शमशान में भी जगह कम पड़ जाएगी। कलाबाजी कई ले ले, अब हमार कलाकारी देख, तोर माई हमरा कब्जे में बिया। पहचानत नहीं के माई? ना बिरजू ना, यहाँ ना, एक के ता हम वही गांव के चौराहा पे मारे जहां जज्बा गांधी बन के बैठल बा, काले एकरा भाई के अदालत फांसी दी, वहां एकरा के हम फांसी देव हम। अजी भैया सलोनी, जरूर कोनो ना कोनो तोहके गलत फहमी भइल बा, हम अज्जू के बचपन से जानत आनी, अज्जू कबो तोहरा बाबूजी के। बस अंगूरी बस, गलती हमार रहे कि इच्छान के भी कि गुंडा हम ओकरा से प्यार कइनी, ओकर अंजाम
भाई के हमरे सर से हमार बाबूजी के साया ही उठ गए। ये हमरे ध्यान में कहे ना है अंगूरी, वो देखा। अब देखिए सब कुछ दूध का दूध और पानी के पानी हो जाए। 15 मार्च मंगलवार 12:30 पर एसपी मिस्टर पीपी पाठक के कत्ल उनकरे घर में कर दिहल गई। और ई कत्ल और केहू ना एसपी साहब के बेटी ई सरफिरा आशिक ई अजय यादव कैले बा। झूठ जज साहब, एसपी साहब के खून हमने की कैले। ई है सच बा जज साहब, एसपी साहब के बेटी ई सरफिरा आशिक अजय यादव के अपन बाप के खून करत खुद अपन आंख से देखले बड़ी। नमस्कार एसपी साहब। नमस्ते। के बड़ा तू लोग? हमने के पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। मेरे पास एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, आप लोग जाइए, मैं पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। नहीं है मेरे पास फोर्स भाई। अच्छा नहीं है फोर्स? बाबूजी मिस सलोनी को कटघरे में बुलाया जाए। जज साहब, मिस सलोनी अपन बाप के कातिल के चेहरा नहीं खे देखल चाह, यही खातिर वो अपन लिखित बयान हमरा के दे देले बाड़ी। ई रहल सलोनी के लिखित बयान। रो मत सलोनी, रो मत, अपने आप के संभाला। सबसे पहले हम एसपी साहब के बंगला के चौकीदार रामदेव यादव के बुलावे के इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। रामदेव यादव हाजिर हो। हाँ तो रामदीन यादव जी, 15 मार्च मंगलवार के दिन एसपी साहब के बंगला पर अजय यादव आयल रहले। हाँ सर। ठीक बात, तू जा सकेगा। और अगर अपने निर्दोष अज्जू के बचावल चाहता रू तो अभी विजय से बात करो, हम फोन लगाओ दानी। हेलो विजय, हम सलोनी बोला था, अजय निर्दोष बाड़ा, हमरा लगे ओके सबूत बा, जल्दी से करे चलाओ। आवता नहीं। जल्दी। अच्छा ये बताओ कि वो दिन तू का देखले रहला? वो दिन हम जब बाजार से सब्जी लेके आई नी तो देखनी कि एसपी साहब मरल पड़ल रहला और ये आदमी के हाथ में चाकू और खून लगल रहे। अच्छा तू जा सकेला। आ गई ला विजय। अदालत में पेश किए गए मिस सलोनी के लिखित बयान और गवाह से ये साबित होता है कि एसपी पीपी पाठक का कत्ल अजय यादव ने ही किया है, लिहाजा दफा 302 के तहत ये अदालत मुजरिम अजय यादव को सजाए मौत सुनाती है। बेटा बेटा अजय, बेटा बेटा। अब बताओ माई, कानून के भरोसे रहे वाला न्याय पावे खातिर कानून के सीढ़ी चढ़ के पसीना बहौला से मंजिल पा सकेला? बेटा मंजिल पावे खातिर खाली पसीना ना, खून भी बहावे के पड़ी। यह बात बतावे जाता है जज साहब से। Yeah.
देखा, यह है काल बिहारी की अदालत। एक तरफ फांसी के इंतजार में खड़ा मुजरिम, एक तरफ ब्याह मुजरिम के माशू का, और दूसरी तरफ भौजाई। का हो भौजाई? वाह रे वाह, देख ला गांव वालन, काल बिहारी की अदालत के का नजारा बा। जजो साहब विराजमान बाड़े, देखा देखा कैसन खामोश होके देखा तारे। बस एक गो कमी बा, जजाइन के कमी बहुत खलाता। अरे वाह भैया, तोहार दिल के बात भगवान सुनिए लहलन। मैं जो गईला ई तो काल बिहारी के चाल रहे। ए जजाइन, मिला अपन बेटा बहुत लोगन से, मिला मिला? नहीं काल बिहारी, आज पहले हम अपन जज साहब से मिला, उनकरा से कुछ बतावे के बाद। हाँ हाँ, मिला मिला। अरे वाह, प्यार होके तो ऐसन का बात है। जज साहब, रउआ सुना तानी नू कि सच का राह पर चलेगा का नतीजा होला? रउआ देखा तानी नू कानून का हिफाजत करे का तमाशा? रउआ देखा तानी नू मंजिल पावे खातिर पसीना बहावे का अंजाम? ना जज साहब ना, रउआ झूठ कहत रहनी। रउआ कहत रहनी कि मंजिल पावे खातिर पसीना बहावे के पड़ेला, मगर आज हम कहतानी कि मंजिल पावे खातिर खून पसीना दोनों बहावे के पड़ेला। का जब चिड़िया चुग गेल खेत है, अब छाती पीटला से का फायदा है? अरे जज साहब तो बन गए पुतला, मूड़ी पे कौआ उड़ उड़ के हगत आ रे। बेचारा के दू गो बेटा रहे, दू गो, एगो के कानून फांसी के सजा सुनाओ और एगो के हम यहाँ फांसी के सजा सुनाए। अरे तू तो चल जाएगी बुढ़ारी में काशी मथुरा वृंदावन, पर तोहार ये कमसिन जवान दोनों बहुन के का होई? कैसन मस्त जवानी बात दोनों के। हमरा तो लागा था कि कहीं हमार रखेल ना बन जासन। एक बेर हमार हाथ खोल के देख, तो के अपन धूल जटा जटा के ना मरनी, ता मैं हूँ अपने बाप के औलाद। दे गाड़ी, जी भर के गाड़ी दे, पर सुन, बिना गवाही बिना सबूत काल बिहारी की अदालत पूरा गांव वालन के सामने तोला के फांसी के सजा सुनावता, फांसी के सुन ले। अब हमार माथा ठनकता, अजय के फांसी हुई काल भोर में, एकर फांसी के टाइम भी उहे रही, तब तक टाइम कैसे पास हुई, कैसे पास हुई बतावा। बिरजू। हाँ भैया। नाच नचावा एक निके। हाँ भैया। एक सेकेंड, जज साहब की आंखी पर पट्टी बांधा, कहे कि बहु लोग नाची था ठीक नानू लगी। और ये बुढ़िया के ले जा, वहां ले जाके बांधा एक राखी। दिखावा हो जवानी के जलवा भौजी, नाचा नाचा नाचा।
बच्चा सरे ना बेटी ना, ना तो पूछ ले हमार निशाना चूके लाना दिल की हया से कितना बार उल्फत तू देखा आज हिम्मत बना के हमने के हिम्मत तू देखा आज मजबूर आज दूंगा हसीनन के शक्ल में आँखियन से अपना मौत के नाचत तू देखा आज मिटावे के खातिर तोहर हस्ती मिटावे के खातिर एगो शोला बदन आ रहल बा हाँ तोहर हस्ती मिटावे के खातिर एगो शोला बदन आ रहल बा तोहर हस्ती मिटावे हाँ जी ले तू चार गो ही बस तोरा जिंदगी के पलवा
दिया के तोहरा उजाड़े, ई जलावे चमन लारा हलवा। छुअ मत हमरा ए ओढ़नी के, केहू ले के कफन लारा हलवा। जोन मुकदमा चल रहा बा, आज ओकर अंतिम तारीख होई, आज होई अंतिम फैसला। ए मरा सन साले के, एक भी जिंदा बचे न पावे।
Yeah.
हम न्याय के खातिर आपन जान लुटाएबू, संविधान और देश को अपना हरदम मान बढ़ाएबू। ओ बाटे भारत से प्रीत, न्याय के गाई गीत, होके सच्चाई का हरदम अपना के दुनिया में जीत। हाँ मेरे मीत, हर जुल्म के हो हमेशा, हर जुल्म के हो, हर जुल्म के हो हमेशा, हर जुल्म के हो। सच्चा लगन जो बाता हर मंजिल आसान बात, मेहनत का जज्बा से एक दिन जग में बनल पहचान बात। ओ दिल में सच्चा लगन जो बाता हर मंजिल आसान बात, मेहनत का जज्बा से एक दिन जग में बनल पहचान बा। मान के इहे रीत फैल अच्छा प्रतीत, होके सच्चाई का हरदम अपना के दुनिया में जीत। हर